हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेटेस्ट वेब लेआउट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक मॉडर्न लॉगिन पेज की डिज़ाइन हम कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह लॉगिन पेज जो डिज़ाइन किया गया है बिल्कुल मॉडर्न है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके इवेंट देख सकते हैं और ये फ्रेंड्स फुली रिस्पॉन्सिव है और मैंने ये बिना बूटस्ट्रैप यूज किए हुए इस लॉगिन पेज को हमने रिस्पॉन्सिव बनाया है। तो आप देख सकते हैं ये फुली रिस्पॉन्सिव है। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि इस मॉडर्न लॉगिन पेज को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, latestlayout.com की एक वेबसाइट भी है हमारी, यहाँ से आप फ्री और प्रीमियम वेबसाइट टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जो भी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ लॉगिन का, इसके जो कोड्स होंगे, इसके जो भी कोड हो गए, इसके जो भी फाइल्स होंगे, मैं इस पर अपलोड कर दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं अपना मॉडर्न लॉगिन पेज। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं अपना एचटीएमएल, जो हमारा एचटीएमएल पेज है उसको, और ये स्टाइल। ठीक है फ्रेंड्स, तो एचटीएमएल पेज में हम जो बेसिक हमारी जो चीज़ें हैं ऑलरेडी इसमें मैं इंसर्ट कर लिया हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने इसकी वजह से। तो सबसे पहले हम टाइटल लेते हैं लॉगिन पेज। फ्रेंड्स, मैं बात करूँ मॉडर्न तो लॉगिन पेज तो अच्छा ही लगे ना, इसको हम लिखते हैं मॉडर्न लॉगिन पेज। ओके, परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन है, एक हम एक पहले एक रैपर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन क्लास रैपर। अब रैपर लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ, डिव क्लास उसको देता हूँ लॉगिन सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिर मैं क्या करता हूँ, एक रो लेता हूँ, एक डिव लू क्लास लॉगिन रो, और लॉगिन रो इसलिए नाम डाल रहा हूँ क्योंकि मैं लॉगिन पेज बना रहा हूँ, इसलिए मैं लॉगिन रो इसका नाम ले रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ, डिव अब इसको देता हूँ क्लास, मैं अब इसको देता हूँ लॉगिन इमेज, जो लॉगिन जो हमारा इमेज है उसके लिए। अब लॉगिन इमेज में क्या करता हूँ, मैं अपना इमेज कॉल करता हूँ। अब देख सकते हैं ये जो है ना, ये इमेज है, इस इमेज को मैं कॉल करता हूँ। अब एयर इमेज कहाँ पर है, अब देख सकते हैं ये है हमारे पास bg2.png, और इसको मैं देता हूँ इसका ऑल्ट देता हूँ, ऑल्ट नेम इमेज डाल देता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एक और डिव बनाते हैं हम, डिव क्लास राइट साइड। अब ये राइट साइड इसके लिए बना रहे हैं, जो हमारा लॉगिन सेक्शन है उसके लिए मैं बना रहा हूँ एक डिव। राइट साइड लिया हमने, राइट साइड में मैंने एक फॉर्म लिया, फॉर्म, और इसके अंदर लिया हमने H1 टैग लिया, H1 टैग के अंदर लिखा हमने लॉगिन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एक लाइन में लिखते हैं H1 टैग को, और ये लॉगिन हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसके अंदर फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, एक और डिव लेते हैं, डिव इसको देते हैं क्लास इनपुट रो। अब इनपुट रो में क्या करते हैं, एक स्पैन टैग लेते हैं, स्पैन टैग लिया हमने, स्पैन टैग में, स्पैन टैग को हमने क्लास दे दिया क्लास आइकन्स। स्पैन टैग के ले रहा हूँ मैं, जो हमारा जो आइकन है उसके लिए यूज कर रहा हूँ, इसमें जो आइकन यूज कर रहा हूँ आई, जो हमारा आइकन है इसका, जो क्लास फॉर यूजर। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद मैं एक इनपुट फील्ड लेता हूँ अपना, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसको क्लास देता हूँ, क्लास नेम इसको मैं देता हूँ आपको इनपुट, इनपुट फील्ड लेता हूँ इसका नाम, इनपुट फील्ड देता हूँ, इसकी एक आईडी ले लेता हूँ यूजर नेम, यूजर नेम, और जो इसका इसको रिक्वायर्ड करता हूँ, वैलिडेशन लगाता हूँ, एचटीएमएल का जो बाय डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन होता है इसको रिक्वायर्ड करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स,
फिर इसका एक लेबल लेता हूँ। आपको पता है जब हम इनपुट टैग बनाते हैं उसको जो लेबल देते हैं वो ज़रूरी पड़ता है। यहाँ फॉर्म में मैं देता हूँ यूजर नेम, और यहाँ लिख देता हूँ यूजर नेम। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका एक रो बन गया, ये यूजर के लिए हो गया। और मैं एक और इसको कॉपी करता हूँ, आइकन को लिखता हूँ यहाँ लॉक, और इनपुट फिर ये इनपुट टाइप हो गया पासवर्ड, और आपका जो यहाँ आईडी होगा पासवर्ड होगा, और यहाँ पे भी पासवर्ड होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं पासवर्ड, राइट। अब क्या करता हूँ, एक बटन भी ले लूँ, बहुत ज़रूरी है यू बटन। अब बटन टाइप में लेता हूँ सबमिट, और इसको नामता हूँ लॉगिन। परफेक्ट फ्रेंड्स, हमारा लॉगिन पेज बन गया। अब देखिए इसका आउटपुट, आउटपुट के लिए क्या करता हूँ, इसको कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, टैब खोलता हूँ अपना। देखिए आप देख सकते हैं हमारा इमेज भी आ गया, लॉगिन भी आ गया, आइकन भी आ गया, इनपुट भी आ गया, लेबल भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब हम इसका सीएसएस लिखते हैं, इसका डिज़ाइन लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप जब भी सीएसएस लिखना स्टार्ट करें तो आप यूनिवर्सल जो हमारा है, आप मार्जिन पैडिंग, मार्जिन बॉटम नहीं, मार्जिन 0 पिक्सल कीजिए, पैडिंग भी आप 0 पिक्सल कीजिए, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दीजिए। ठीक है, अब मैंने एक बॉडी पे जो एक फॉन्ट लिया है गूगल फॉन्ट यूज़ किया है, अब बॉडी का बैकग्राउंड इसको यूज़ किया है, और H1 की जो हेडिंग है उसका फॉन्ट मैंने ये ले लिया है। अब आप देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको लिखने के लिए जो हमारा रैपर है। अभी जो रैपर क्लास है, जो रैपर क्लास है, अब इसको हम सीएसएस लिखते हैं। रैपर को हम देते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले करते हैं फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हैं, एलाइन आइटम्स सेंटर करते हैं, और उसकी जो विड्थ है 100 वी विड्थ करते हैं, हाइट इसको 100 व्यू हाइट करते हैं, और इसको ये हो गया हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, रैपर का काम डन। अब देखिए अब और आउटपुट ये रहा, सेंटर हो गया सब कुछ, ओके। रैपर के बाद हमारा क्या है, अब इसको देते हैं अपने लॉगिन सेक्शन को। हमारा जो लॉगिन सेक्शन है उसको मैं सीएसएस दे रहा हूँ आपको। लॉगिन सेक्शन में क्या करते हैं, लॉगिन सेक्शन की जो विड्थ है हम देते हैं 70 व्यू विड्थ। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका पोजिशन हम करते हैं रिलेटिव, और ओवरफ्लो इसको कर देते हैं हिडेन। इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड देते हैं इसको वाइट कर देता हूँ मैं। ठीक है, और इसको बॉक्स शेडो मैं देता हूँ 0 पिक्सल, 3 पिक्सल, 6 पिक्सल, 0 पिक्सल। ठीक है फ्रेंड्स, आरजीबी, और जब भी मैं इसको क्या करता हूँ 0 0 0 75%। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा बॉक्स सेट हो गया। अब इसको एक पैडिंग दे दो, पैडिंग देता हूँ बॉटम से, इसको पैडिंग बॉटम से देता हूँ कितना 30 पिक्सल। अब देखिए हमारा लॉगिन सेक्शन कैसा आ रहा है, परफेक्ट देख सकते हैं सेट हुआ गया इसमें। अब लॉगिन सेक्शन के बाद क्या करते हैं, जो हमारा लॉगिन रो है देख रहे हैं, लॉगिन जो रो है, अब इसको हम देते हैं सीएसएस। इसको लॉगिन रो को क्या करेंगे, इसको बस डिस्प्ले हम करते हैं फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या हुआ, और उसके बाद क्या कर, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया हमने। अब जो हमारा जो इमेज है अभी देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, इमेज बहुत बड़ा आ रहा है, तो इमेज जो हमारा है हम इमेज को कॉल करते हैं, इसको देते हैं विड्थ 100%, परफेक्ट। अब देखिए हमारा आउटपुट, देखिए इमेज भी छोटा हो गया और ये भी हमारा लॉगिन आ गया। अब क्या करते हैं हम, जो हमारा राइट साइड है, अब देख सकते हैं जो ये राइट साइड है हमारा,
अब राइट साइड को हम सीएसएस देते हैं। राइट साइड में क्या करते हैं, जो हमारा राइट साइड है, जो लॉगिन सेक्शन है हमारा है, अब इसको हम दे रहे हैं राइट साइड को। अब इसको राइट साइड को क्या देते हैं, इसकी विड्थ कर देते हैं हम 50%। ठीक है, मार्जिन कर देते हैं इसका, मार्जिन इसको कर देता हूँ 50 पिक्सल, और इसको जेड इंडेक्स जो कर देता हूँ मैं 99। ओके फ्रेंड्स, अब उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा H1 टैग है। अब देखिए ये आ गया, परफेक्ट बन रहा है ना, देख रहे हैं जितने सी एस एस लिखते जा रहे हैं इसकी डिजाइनिंग सही होती जा रही है। अब जो हमारा सी एस एस है इसका लॉगिन का फॉन्ट वो सही कर दूँ तो H1 का क्या है हमारा फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 3 RM ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मार्जिन बॉटम करता हूँ 3 RM। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो कलर है, जो मैं कलर यूज कर रहा हूँ इसमें, इसका कलर यूज कर रहा हूँ E9 1E63, और इसका टेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ सेंटर। देखिए परफेक्ट लॉगिन हो गया हमारा। अब हम काम करते हैं इस इनपुट पे। तो इनपुट पे क्या करना है, इनपुट पे हम क्या करते हैं, हम इनपुट पे सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्म है उसकी विड्थ हम दे देते हैं 100%। ओके फ्रेंड्स, फॉर्म उसका जो हमारा इनपुट रो है, अभी हमारा जो हमने फॉर्म को दे दिया, अब हमारा जो इनपुट रो है, अब इस पर हम सीएसएस डिफाइन करते हैं। तो इनपुट रो पे क्या करते हैं, हम इनपुट रो पे देते हैं इसकी पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं, और मार्जिन जो टॉप से इसका कर देते हैं 1 RM, एंड मार्जिन बॉटम से इसका करते हैं 2 RM। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी जो विड्थ कर देते हैं हम डिफाइन कर देते हैं, इसकी विड्थ डिफाइन करते हैं 100%। ये आपका, आप देखो रो तैयार। अब क्या करते हैं, हमारा जो लेबल है, अब लेबल पे हम काम करते हैं। लेबल जो हमने यूज किया है, लेबल को पोजीशन दे दी हमने एब्सोल्यूट। ठीक है, इसको टॉप से दिया 0 पिक्सल, लेफ्ट से दिया 0 पिक्सल, और इसकी जो विड्थ कर दिया हमने 100% कर दिया, और इसका जो कलर मैं ले रहा हूँ D3 जो मेरा कलर है मैं यूज कर रहा हूँ, इसका जो ट्रांजिशन है ऑल 0.2S। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो कर्सर स्टाइल है इसको मैं करता हूँ टेक्स्ट। अब देखिए लेबल हमारा कैसा हो रहा है, लेबल यहाँ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी सही हो जाएगा। अब मैं लिखता हूँ इसका जो हमारा इनपुट है, अब इनपुट किस ऐसे लिखते हैं हम, इनपुट को जो विड्थ है इसको देते हैं 100%। ओके, इसका बॉर्डर करते हैं 0 पिक्सल, आउटलाइन ऐसा करते हैं 0, आउटलाइन 0 कर देते हैं, पैडिंग देते हैं इसको 0.3 RM, और 0 करते हैं इसको, और बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर बॉटम करता हूँ इसको 2 पिक्सल, सॉलिड D3। ओके फ्रेंड्स, बॉर्डर हो गया हमारा। अब देखते हैं बॉक्स शैडो, इसको देते हैं बॉक्स शैडो, इसका नन कर देते हैं। बॉक्स शैडो के बाद आता है हमारा कलर देते हैं उसको 111 कर देता हूँ, और इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज मैं करता हूँ इसको 16 पिक्सल, और इसका जो फॉन्ट वेट है इसको करता हूँ 600, और ट्रांजिशन इस पर अप्लाई करता हूँ ऑल 0.2S, और इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कर देता हूँ इसको ट्रांसपेरेंट। अब देखिए हमारा इनपुट ऐसा आ गया ना, देख रहे हैं आप, बन रहा है जैसा हमारा है उस तरीके से धीरे बन रहा है। अब क्या करना है, इनपुट लिखने के बाद अब हम बैक, ठीक है, तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक वेव आया था, आप देख सकते हैं, अब हमने एक वेव यूज किया है, देख रहे हैं ना।
अब इसमें वेब यूज करने के लिए क्या है, मैंने एक कि उसका जो SVG है, SVG में यूज़ कर रहा हूँ वेब के लिए। तो ऑलरेडी ये देखिए वेब की SVG है, मैं कॉपी करके रखा हूँ इसको, मैं कॉल करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, और इसको कॉल करता हूँ मैं अपने लॉगिन सेक्शन के, और हमारा जो लॉगिन रो है, लॉगिन रो के जस्ट बाद में इसको यूज़ करता हूँ। और वेब मैं लिख देता हूँ जैसे कन्फ्यूजन हो, ये यूज कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स, इसको अलाइन कर दूँ। कोड फ्रेंड्स लिखना अच्छे तरीके से, कहते हैं ना, बहुत ज़रूरी पड़ता है। अगर एक अच्छा, अगर आप डिजाइनर हैं तो आपको कोड बहुत अच्छा साफ सुथरा लिखना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखिए अब आएगा नहीं है, देखिए अब इसको दिखाता हूँ आया कि नहीं, वेब आया, लेकिन अब इसकी स्टाइलिंग हम करते हैं। स्टाइलिंग क्या करते हैं, इसको जो ये वेब जो क्लास यूज किया हमने, बैकग्राउंड वेब को हम CSS डिफाइन करते हैं। बैकग्राउंड वेब में CSS हम क्या देते हैं, इसकी पोजीशन करते हैं एब्सोल्यूट, और बॉटम से इसको करते हैं -20 पिक्सल, और इसका जो विड्थ है हमारा इसको करते हैं 100%, ठीक है। इसकी जो जेड इंडेक्स है इसको करते हैं 1, परफेक्ट। देखिए आ गया ना, आप देख सकते हैं जैसा है ऐसा बन रहा है, ठीक है। अभी अब थोड़ा सा लेबल कोर सही कर दें। अब उसके लिए क्या करना है, अब हमारा जो इनपुट है, ये जो इनपुट रो है, जो हमारा इनपुट रो है, अब देखिए इसके इनपुट रो को कैसे, देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, इनपुट रो में जो इनपुट है, ठीक है, इनपुट के फोकस पे जो सिबलिंग है लेबल, अब लेबल का जो बॉर्डर कलर है, जो कलर है, इस लेबल का कलर हमने कर दिया 4D ये, और इसको जो फॉन्ट साइज कर दिया हमने, फॉन्ट साइज हमने इसका कर दिया 14 पिक्सल, और इसका जो ट्रांसफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं, ट्रांसलेट वाई इसका करते हैं हम -20 पिक्सल, परफेक्ट। अब देखिए क्या आता है, वर्किंग कर रहा है, ठीक है। अभी अब देख रहे हैं फ्रेंड, एक चीज़ जिस पर क्लिक कर रहा हूँ तो बार बार ये ऐसा आ रहा है, पूरा मतलब मेल आईडी आ जा रहा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। क्या करता हूँ, इसीलिए लिखा है, बोला जाता है कि मतलब जब भी आप इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखे ना, ऑटो कम्प्लीट इसको ऑफ किया कर दें, जिसे सजेस्टेड नहीं आएगा। अब देखो अब नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनपुट रो हो गया, अब सेम हम इसी तरह इनपुट रो के फोकस पे काम करेंगे, जो हमारा इनपुट रो है इसके फोकस पे काम करेंगे। इसके फोकस पे हमने क्या किया, जो बॉर्डर का जो कलर है, बॉर्डर कलर है हमारा, करते हैं 4D, ठीक है। अब सेम जैसे इनपुट का लिया ना हमने, अब इसका हम लेंगे वैलिड का। फ्रेंड्स वैलिड इसलिए ले रहे हैं, आपको बता दूं वैलिड क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ, और वैलिड लिखने का एक मकसद है, जैसे अभी देखिए इसको, अगर वैलिड को मैं इसको कमेंट करता हूँ, देखिए क्यों लिख रहे हैं। अब जैसे यहाँ देखिए लिख रहा हूँ ना, लेकिन तब भी अपनी जगह पर ये आ जा रहा है ना, लिखने कोई फ़ायदा नहीं, ऊपर तो गया लेकिन फिर से हटा रहा, फिर इस जगह पे आ जा रहा है, तो इसलिए वैलिड लिख रहे हैं। तो वैलिड को डिफाइन करता हूँ, तो वैलिड में क्या है, सेम वही चीज़ है, वैलिड कॉल किया हमने, और इसका जो बॉर्डर कलर है सेम, इसको भी कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आप चाहें तो कॉमा दे के लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप सोचोगे कि यार बार बार लिख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा क्लियर हो आपको। अब देखिए अगर आप यहाँ लिखेंगे ना, अब देखिए अब ये नीचे नहीं आ रहा ना, आप देख सकते हैं फ़र्क, देखिए नीचे नहीं आ रहा ना, ये इसलिए वैलिड लिखा मैंने। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, अब जो हमारा आइकन्स है, अभी जो ये आइकन्स दिख रहे हैं, आइकन्स जो व्यवस्थित है ना, आइकन के ऊपर काम करते हैं। आइकन्स जो हमारा क्लास है स्पेन का, जो देख रहे हैं ना आप, इसको कॉल किया, ठीक है। अब इसको मैं प्रॉपर, इसको जो
प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, इसकी पोजीशन करते हैं एब्सोल्यूट और टॉप से देते हैं 0, लेफ्ट से देते हैं -20 पिक्सल, और इसका जो ट्रांजिशन है ऑल 0.2S करते हैं, और इसकी जो फॉन्ट साइज है इसकी फॉन्ट साइज करता हूँ 18 पिक्सल। ओके, परफेक्ट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए बागें परफेक्ट। अब क्या देखिए, अब यूजर नेम ऐसा आ रहा है, थोड़ा इसको काम कर देता हूँ यूजर नेम पे भी। अब क्या करते हैं, अब बटन पे थोड़ा फ्रेंड्स काम कर लेते हैं। बटन हमारा बटन ऐसा दिख रहा है, बटन पे काम कर लेते हैं। बटन पे काम करने के लिए हम एक बटन की अपनी जो हमारी बटन है, बटन को कॉल करते हैं। स्पेलिंग रॉन्ग हो गया फ्रेंड्स, इसका ध्यान देना है स्पेलिंग रॉन्ग ना हो। और बटन को हमने क्या किया, इसका जो बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया 9E9 बटन कलर हो गया। फॉन्ट साइज इसका कर दिया हमने 16 पिक्सल। पैडिंग दे दिया इसको 13 पिक्सल दे दिया हमने, और इसकी जो विड्थ हमने डिफाइन कर दी 100%, और इसका बॉर्डर कर दिया 0 पिक्सल, और इसका जो फॉन्ट वेट कर दिया 600। फॉन्ट वेट के बाद इसको हम देते हैं कलर, देते हैं वाइट, और इसका जो कर्सर हम कर देते हैं पॉइंटर, और इसका आउटलाइन जो है करते हैं नन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो ट्रांजिशन है और 0.5S। ओके, अब देखिए बटन हमारा ओके हो गया, देख सकते हैं। अब क्या है कि बटन के बाद बटन पे जो हमने होवर पे इफेक्ट दिया वो भी लगा दें। बटन के होवर पे जो हमने जो कॉल किया है, बैकग्राउंड कर दिया हमने 4D गे, देखिए हो गया ना फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं, अब एक चीज़ और आपको दिखा दूं। अब आप देख सकते हैं अभी जो यहाँ क्लिक कर रहे हैं अभी तो ऐसा आ रहा है ना फ्रेंड्स, लेकिन अभी इनपुट आप देख सकते हैं कुछ इसकी पैडिंग गड़बड़ लग रही है मुझे। तो आइकन को हमने दिया, जो आइकन का किया हमने पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से 0, लेफ्ट से -20 पिक्स। ओह सॉरी, ये है ना फ्रेंड्स, देखो यहाँ कमी है ना, ये तो लगा नहीं, मैं कहूँ कहाँ कमी आ रही है। ये परफेक्ट, नॉट परफेक्ट, लेफ्ट से -20 पिक्सल, ट्रांजिशन और 0.2, फॉन्ट से 18। आइकन सही किया हमने, ये आइकन से आइकन को हमने कॉल किया। ओके, पोजिशन एब्सोल्यूट ओके, लेफ्ट से हमने किया -20 पिक्सल, इसकी जो फॉन्ट साइज किया हमने 18 पिक्सल। गुड, ये ना फ्रेंड्स, थोड़ा जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं भूलने से दिक्कत है। इसका जो ट्रांजिशन है और 0.2S परफेक्ट, ये हो गया परफेक्ट। अब आप देख सकते हैं जो क्लिक करने के बाद अब इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। अब इसके लिए क्या, कलर कैसे चेंज होगा, इसके लिए मैंने कुछ जावास्क्रिप्ट लिखी है। अब उस जावास्क्रिप्ट को फटाफट लिख देते हैं। तो जावास्क्रिप्ट आपको पता है कहाँ लिखते हैं फ्रेंड, जावास्क्रिप्ट को हम सबसे पहले कहाँ लिखेंगे, बॉडी टैग से जस्ट ऊपर लिखते हैं, और किस में लिखते हैं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। इसको लिखने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, अगर आप चाहें हटा भी सकते हैं ये वाला। अब स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट किया आपने, अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल में क्या करता हूँ, एक लेता हूँ लॉगिन फॉर्म करके एक वेरिएबल लेता हूँ। इसमें क्या करता हूँ,
डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, जो हमारे डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर ऑल है ना, अब इसमें क्या कर डॉट, जो हमारा जो इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड को मैंने इसमें स्टोर कर लिया, ठीक है, जितना हमारा इनपुट फील्ड जैसे दो है तो इसको स्टोर कर लिया। अब क्या करता हूँ, अब इस लॉगिन फॉर्म को, जो हमारा लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म पे एक फॉर इच, जो एक फॉर इच लूप है उसको चलाते हैं, और इसे फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ मैं, एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, और इस फंक्शन को कुछ बता देता हूँ, इनपुट वैल्यू दे देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब इस इनपुट वैल्यू के, जो हमारा इनपुट वैल्यू है, इस पे एक ऐड इवेंट इवेंट लिस्नर एक फंक्शन कॉल करता हूँ, फोकस पे, इसके फोकस पे एक फंक्शन कॉल हो, कौन सा फंक्शन कॉल हो, फोकस एफ यू एन सी टी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, फोकस फंक्शन लिखा मैंने, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, एक फोकस फंक्शन होने दिया, ठीक है, इसके फोकस पे एक हमने बनाया फोकस फंक्शन, और सेम इसी तरह इनपुट टाइप वैल्यू पे हमने क्या किया, इनपुट वैल्यू पे इसके ब्लर पे, ब्लर क्या करता है फ्रेंड्स, आपको बता दूं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो ज़्यादा बेटर होगा, जैसे ये अभी फोकस हुआ है, इस पर क्लिक हुआ मतलब फोकस है, अब हटाएंगे तो ब्लर हो गया, ऐसे ब्लर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये फंक्शन मैंने बनाया, अब इस फंक्शन को यूज करता हूँ अपना फोकस फंक्शन, फोकस फंक्शन को यूज करता हूँ, और इसमें एक परिवर्तन हूँ, लेट पेरेंट डिव, ठीक है, दिस डॉट पेरेंट नोड, और पेरेंट डिव डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड ऐड, अब इस पर मैं क्या करता हूँ, एक क्लास ऐड कर रहा हूँ एक्टिव, फोकस जब होगा तो इसके जस्ट जो पेरेंट डिव होगा हमारा, ठीक है, इनपुट के पेरेंट पे जब फोकस होगा तो इस पर एक क्लास ऐड हो जाएगा एक्टिव, सेम यही होगा जब हमारा जो ब्लर वाला हमारा, सॉरी प्रिंट जान देना, ब्लर फंक्शन होगा, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जेड ब्लर फंक्शन पे पेरेंट पे यहाँ पे आप रिमूव कर दीजिए, बस ये आपका जेएस है। अब आप देखिए, अब यहाँ पे क्लास जो लिया हमने, जब आइकन ऐड हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, आइकन का कलर चेंज करना है हमें, तो डॉट एक्टिव क्लास का जो आइकन होगा, आइकन का जो कलर है उसको करते हैं E9, ये। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा काम हुआ कि नहीं, देखिए तो गड़बड़ है, क्लास ऐड हो रहा है कि नहीं, लॉगिन फॉर्म के डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल पे इनपुट फील्ड है, एक मिनट देखें, हाँ इनपुट फील्ड है, इसके इनपुट फील्ड पे ये लॉगिन फॉर्म हो गया, फॉर इच पे एक फंक्शन बनाया हमने, एक फंक्शन हमने बनाया इनपुट करके, इनपुट वैल्यू इसको दे दिया हमने, इनपुट वैल्यू को एड इवेंट लिसनर फोकस के, एक फ्रेंड देखता हूँ सर, फ्रेंड्स कॉल हो रहा है कि नहीं, देख लेते हैं क्या बग आ रहा है इसमें,
नहीं, फ्रेंड्स चल रहा है कि नहीं चल रहा, अभी देखते हैं। फॉर्म हमारा ये रहा, नहीं कॉल नहीं हो रहा फ्रेंड्स। कंसोल देखते हैं इसका एरर क्या आ रहा। ओके फ्रेंड्स देखते हैं, कॉन्स्ट के लॉगिन फॉर्म के डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरीज सेलेक्टर ऑल पे इनपुट फील्ड। ओके फ्रेंड्स, और लॉगिन फॉर्म के फॉर ईच पे एक जो फंक्शन हमने बनाया, इनपुट वैल्यू करके एक फंक्शन बनाया, इनपुट वैल्यू के ऐड इवेंट लिसनर, ऐड ऐड इवेंट LIST पे ये जो फोकस नाम का हमने डिफाइन किया है, FOCUS फोकस के एक फंक्शन बनाया हमने, फोकस फंक्शन, और इनपुट के वैल्यू के ऐड इवेंट लिसनर पे ब्लर पे हमने एक फंक्शन बनाया ये, और फोकस के फंक्शन पे ये कॉल हो रहा है लेट पेरेंट डिव के दिस डॉट पेरेंट नोड, और पेरेंट डिव पे डॉट क्लास लिस्ट पे ऐड कर द एक्टिव को। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं कि मतलब वो चल क्यों रहा है, तो एक बार दोबारा चेक करते हैं कि कहाँ फॉल्ट आ रहा है। अब इसका हाँ फ्रेंड्स देखिए चल रहा है फ्रेंड्स, लॉग इन राइट पे देखिए, फॉर्म पे देखो, जब यहाँ क्लिक कर रहे हैं एक्टिव ऐड हो जा रहा है। ओके परफेक्ट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था फ्रेंड्स। क्या है कि अब देखिए, इसे क्लिक कर रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, देखें ये हमारा हो गया लॉग इन फॉर्म। अब इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं फ्रेंड्स, फटाफट रिस्पॉन्सिव करते हैं। रिस्पॉन्सिव के लिए क्या है, बस कुछ नहीं, बहुत थोड़ा सा हमें लिखेंगे, मीडिया क्वेरी लिखेंगे। मीडिया क्वेरी क्या लिखेंगे, हम आपको बता दूँ, एट द रेट मीडिया ओनली स्क्रीन ठीक एंड मैक्स विड्थ, इसकी जो मैक्स विड्थ है उसकी मैक्स विड्थ हम देते हैं 768 पिक्सल पे, जो हमारा लॉगिन रो है, लॉगिन रो को हम जो फ्लेक्स और फ्लेक्स फ्लो कर देते हैं कॉलम रिवर्स। ओके, और डॉट राइट साइड को हम दे देते हैं विद 100% पैडिंग, कर देता हूँ इसको 50 पिक्सल, और इसके जो मार्जिन करते हैं 0 पिक्सल। ठीक है फ्रेंड्स, सेम इसी तरह लिखते हैं दूसरे डिवाइस के लिए, मीडिया क्वेरी लिख देते हैं, कॉपी कॉपी पेस्ट 768 हो गया, अब लिखते हैं सब 576 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो लॉगिन रो तो रहेगा नहीं। ओके, जो हमारा बैकग्राउंड वेव है, डॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड वेव जो हमारा ये है, कहाँ गया कहाँ गया बैकग्राउंड वेव, ये जो बैकग्राउंड वेव है इसको करते हैं कॉपी। ठीक है, बैकग्राउंड वेव को करते हैं कॉपी, इसको हम देते हैं बॉटम से -5 पिक्सल, और जो हमारा लॉगिन इमेज है, जो लॉगिन इमेज है ना फ्रेंड्स, ये जो लॉगिन हमारा इमेज है,
ये लॉगिन इमेज, इसको मैं करता हूँ डिस्प्ले नन। परफेक्ट। आई फ्रेंड देखते हैं हमारा, ये रहा हमारा पेज। अब इसके हम रिस्पॉन्सिव देखते हैं, ठीक है। अब इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ, ये देखिए इसका मोबाइल व्यू, देखिए परफेक्ट है, रिस्पॉन्सिव भी है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा मॉडर्न लॉगिन पेज। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ फ्रेंड्स बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।